बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी किचन विद नायला। तो जी, आप लोग कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही सादा और सिंपल सी रेसिपी, चरसी कढ़ाई की, जिसका वो पेशावरी चरसी कढ़ाई भी कहा जाता है। ये एकदम से बनेगी ढाबा स्टाइल में, बहुत ही इजी और बहुत ही सादा से मसालों के साथ, बहुत सादा तरीक़ों से ये बनाई जाएगी। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो जी, मैंने यहाँ पे लिया है, मेरे पास है 1.5 किलो चिकन और टमाटर मैंने इसमें डालने हैं, 5 अदद जो मैंने काट रखे हुए हैं हाफ़, और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पानी, क्योंकि इसमें पेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पानी है तकरीबन 1 कप के जितना है मेरे पास, जो कि 2 टेबल स्पून था अदरक लहसुन, और इसमें जाएगी काली मिर्चें साबुत और पिसी हुई, जुलियन में कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ऑयल और जी नमक। तो ये हैं हमारे सादे से मसाले। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। तो जी, यहाँ मैंने देख ली है स्टोव पे एक प्यारी सी कढ़ाई है, और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल 1 कप के जितना, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे, मेरे पास है यहाँ पे 1/2 टीस्पून के जितनी साबुत काली मिर्चें। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दिया हसबे जायका सॉल्ट। मैंने वैसे यहाँ पे लिया है 1.5 टीस्पून के जितना सॉल्ट, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकती हैं। चिकन मेरे पास है यहाँ पे 1.5 किलो, और ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया, और अब इस चिकन को हम करेंगे अच्छे से फ्राई, या फिर यूँ कह लें कि हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये चिकन जो है अपनी रंगत ना बदल ले, ये गोल्डन सा हो जाएगा कलर में और अपना पानी छोड़ देगा। तो जी, हमने तब तक इसको करना है फ्राई अच्छे से। पेशावरी चरसी कढ़ाई जो मैं बना रही हूँ आज, ये एकदम बनेगी यहाँ पे ढाबा स्टाइल में। आपने कभी हाईवे पर सफ़र किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे इस तरह की कढ़ाई जो है वो बहुत मज़े से लोग खाते हैं। तो जी, यहाँ मुझे इसको तकरीबन भूनते हुए हो गए हैं 5 से 6 मिनट। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है ऑयल में, और देखें चिकन ने अपना रंग भी तब्दील कर लिया है और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर, 5 अदद टमाटर है मेरे पास, मैंने इनको हाफ काटा हुआ है, और इनको मैं रख दूँगी यहाँ पे गोश्त के ऊपर इस तरीके से कि जब मैं इसके ऊपर से छिलका उतारना है मुझे पड़ेगा तो वो बहुत आसानी से उतरेगा और मुझे मुश्किल नहीं होगी। और जी, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जो मेरे पास था 1 कप अदरक लहसुन का पानी। ये मेरे पास था 2 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें मैंने पानी डाल दिया तो ये अदरक लहसुन का पानी बन गया। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं। तो जी, इसमें मैंने ये डाल के इस पर ढांप दिया है ढक्कन से, और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद पकाकर खोल के इसका ये जो छिलके हैं टमाटर के सॉफ्ट हुए ये उतार लूँगी। देखें ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हुए हैं, और इनको मैं अब बारी बारी सारे छिलकों को उतार के एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी टॉम की मदद से मैं इन टमाटरों को अच्छे से मसलने लग जाऊँगी। और ये है मेरा अपना देसी अंदाज़। तो जी, मैं अच्छे से इस टॉम से इनको मसल लूँगी ताकि मुझे इसको फिर इजीली जो है अपने मैं चम्मच के साथ इसको मैं अच्छे से भून लूँ। और अब मैं टमाटरों के साथ चिकन को अच्छे से भून लूँगी। टमाटरों के साथ चिकन को अब हम तब तक भूनेंगे कि जब तक जो हमारा जो चिकन है वो अच्छे से इसमें सॉफ़्ट हो जाए, टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं, अच्छे से ये नरम हो के आपस में मिक्स हो जाएं,
क्योंकि जो टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है वो है, और जो चिकन का पानी था ये मिलके ही इस चिकन को गला देंगे अच्छे से। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी अब नहीं डालेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा सी ये रेसिपी है। जितने सादा तरीके से ये बनाई जाती है उतनी ही ये टेस्टी और मज़ेदार होती है। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है और इसलिए लोग रेस्टोरेंट में जा कर स्पेशली चर्सी कढ़ाई जो है वो बनवाते हैं। तो जी यहाँ मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के भूनने के बाद ढक्कन दे के इसको रख दिया है ढाम के। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं इसको ढक्कन के देने के बाद पकते हुए, और अब मैं इसको उतार कर दोबारा से अच्छे से भून लूँगी। पानी यहाँ देखें इसका हो गया है आलमोस्ट खुश्क, और जो गोश्त है हमारा वो भी टेंडर हो गया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, बहुत सिंपल मसालों से ये बनती है। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़। मेरे पास थी यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया जूलियन में कटा हुआ अदरक, और इसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ धनिया। और देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है इसकी शक्ल। मसाले इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ही डलता है, तो मैंने इसमें स्टार्ट में डाल दी थी साबुत काली मिर्चें, और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप जितना तीखा खाना पसंद करें आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ये जो ग्रीन चिलीज़ थी ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो यहाँ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 टीस्पून के जितनी काली मिर्च, क्योंकि ये ज़रा स्पाइसी ही मज़े की लगेगी। और इसको मैं अब अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी ताकि जो काली मिर्चों का फ्लेवर है, जो इसका अरोमा है, ये हमारे चिकन में शामिल हो जाए अच्छे से। तो जी देखें माशाल्लाह ज़रा कितनी खूबसूरत लग रही है ये कढ़ाई इस वक्त। ये हमारी पेशावरी चर्सी कढ़ाई एकदम ढाबा स्टाइल में कितनी मज़ेदार लग रही है। आप लोग इसको ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने मेहमानों के लिए इनको बनाएं, अपने फैमिली के लिए बनाएं, एकदम से अलग अंदाज में। इसको मैं यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लूँगी, और फिर इस पर मैं ढक्कन दे के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए 0 फ्लेम पे, यानी कि जो दम वाला फ्लेम होता है उस पर मैं इसको पका लूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो ढक्कन मैंने दे दिया है और फ्लेम मैंने कर दिया बिल्कुल 0। और जी ये 3 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है उठा लिया है, फ्लेम यहाँ मैं कर दूँगी ऑफ, और जी कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी माशाल्लाह से। इसको आप लोग गरम गरम नान के साथ, रोगनी नान हो या तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कढ़ाई कैसी लगी। इसकी सर्विंग मैं करूंगी इसी कढ़ाई में। और जी मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें अगेन थोड़ा सा हरा धनिया इसकी खूबसूरती के लिए, और लंबा कटा हुआ अदरक। तो जी ये हो गई है कढ़ाई बिल्कुल रेडी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को हरा और भरा रखे। एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।